पानी वाले नहीं खा पाती हूँ। हाय फ्रेंड्स, आज हम चैलेंज कर रहे हैं 10 का स्कूल कप। मेरे पास भी 10 है, मम्मी के पास भी 10 है, तो अभी हम खाएंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं कौन जीतता है, मम्मी जीती है कि उर्वशी जीतती है। तो 10-10 गोल कप है दोनों के पास, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैलेंज। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तो उर्वशी ने खा दिया है। तो फ्रेंड्स आप लोग गिनो, हाँ ऐसे थाली में 10-10 से पता चल ही जाएगा। तो मेरे को तो उम्मीद ऐसी लग रही है कि उर्वशी जीतेगी। ये देखो जरा, ये आइडिया भी उर्वशी का ही था। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कोई और चैलेंज देना हो तो आप लोग उससे कमेंट कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे। मम्मी तो थक गए खाते। देखो इनको मम्मी का डर है, हाथ पकड़ देगी, बोले मेरे को तो जीत नहीं है। उर्वशी के 2 रह गए, मम्मी के 3 रह गई है, तो बहुत ही चैलेंज है। उर्वशी मम्मी जीतने वाली है। तो यहाँ उर्वशी जीत गई है। तो फ्रेंड्स हम दो, हमने चैलेंज किया था कि 10 उर्वशी के पास थे गोलगप्पे और 10 मम्मी के पास थे। तो मम्मी का थाली में आप लोग देख सकते हैं 1 बचा हुआ है। तो आज इन दोनों का चैलेंज था, तो वो भी उर्वशी ने खा दी। उर्वशी ने 11 खा दिए। मम्मी ने कहा चलो मैं पानी ही पी लेती हूँ। आज जो जीता था उसके लिए उर्वशी क्या लेके आई थी? चुस्की। तो जब उर्वशी चुस्की लेके आप, तो मम्मी हार के कैसा लगा? उम्मीद थी कि जीतूंगी? मम्मी ने कहा कि मैं उर्वशी से तो जीत ही जाऊंगी, नहीं आना मम्मी हार गई है। हाँ ऐसा नहीं कि 3-4 बचे, 1 ही बचा था। टक्कर बराबर की थी। देखो उर्वशी यहाँ पे गिफ्ट भी लेके आ रखी थी कि जो जीतेगा उसको चुस्की मिलेगी। तो ये मिलेगी। तो ये हम लोग बचपन में बहुत ही ज्यादा खाते थे। उर्वशी ने देखो खाना भी स्टार्ट कर दिया। उर्वशी सारे के सारे दिखा जितने भी हैं। बल पहले बार मुझे पीने। मैंगो है। ये ऑरेंज है। हाँ। ये स्ट्रॉबेरी है। हाँ। ये खट्टा मीठा ग्रीन एप्पल है। हाँ। है। तो उर्वशी आपको जीत के कैसा लगा? बढ़िया। मम्मी ने कहा, मम्मी ने कहा चलो मैं पूरा पानी ही पी लेती हूँ उर्वशी को। उर्वशी जीत भी गई है, उसके बावजूद भी उसने पानी नहीं छोड़ा कि पानी भी पीना है। कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा। और कौन सा वाला था मम्मी, खट्टा मीठा वाला था कि चटपटा वाला? उर्वशी को सब पता है। उर्वशी ने बगल में अपनी चुस्की भी रख रखी है कि पानी के पीने के बाद उसके बाद चुस्की भी पीनी है। ये ना चैलेंज का तो था, एक मेरा कुछ नहीं था। उर्वशी ने कहा कि दीदी मेरे को चैलेंज करना है, बूंदी भी खुद ही लेके आई, चुस्की भी खुद ही लेके आएगी, मम्मी और मेरे बीच होगा, जो जीतेगा उसे चुस्की मिलेगी। उम्मीद तो मम्मी को थी कि मैं जीतूंगी, तो उर्वशी ने फिर भी मुझे भी दी उसने एक चुस्की। उर्वशी बहुत अच्छी है, बच्ची है, मतलब बहुत अच्छी बच्ची है। तो फ्रेंड्स मैं सोच रही कि मैं भी, हाँ तो फ्रेंड्स मैं भी करना चाहती हूँ ये चैलेंज। अब मैं उर्वशी के बीच में होगा ना, ज्यादा नहीं 3-3 का करेंगे, 5 मेरी बस की बात नहीं है, 3-3 का। ठीक है उर्वशी, 3 तो मैं आगे बता खा दूंगी अपने हम करके। कैसे खा देगी? यूं यूं करके। तो चलो अब मेरा उर्वशी का चैलेंज स्टार्ट होने वाला है। फ्रेंड्स मम्मी और उर्वशी के चैलेंज में तो उर्वशी जीत गई है। तो फिलहाल मेरे को उर्वशी का डर लग रहा है, क्योंकि मैं ज्यादा चटपटा नहीं खाती हूँ। दही वाले गोलगप्पे होते तो मैं वो खा देती, बट पानी वाले भी खाती मैं, ये पानी वाले। तो चलो जो भी है आप करते हैं स्टार्ट चैलेंज। 1 2 3 दो जीत गई। तो फ्रेंड्स मैंने कहा था ना मैं पानी वाले नहीं खा पाती हूँ, ये गलत बात है, ये तो चीटिंग है।
ये वाला चैलेंज वैसे मेरे को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने हार जाना है बिल्कुल। मैं बाजार में भी जाती हूँ, शादी में भी जाती हूँ ना, पानी वाले खाती हूँ, खाती हूँ, एक जाओ तो एक दो से मैं ज्यादा नहीं खाती, खड़ी रहती जब तक मेरा पेट ना, घर में दो दो खा लेती हूँ, खाओ का पाका और वैसे मैं तो सब खा दी। तो वैसे दिन में खाना खाना है तो फ्रेंड, या मैं बहुत बुरी तरीके से हार गई हूँ, मम्मी से भी बुरी तरीके से, मम्मी लोगों ने तो मेरा तो ये हार बचा हुआ, मम्मी का तो कम से कम 10 में से एक बचा था, तो मेरा तो 5 में तो पूरे 4 एक मेरे मुंह पे था, और वैसे तो 5 ऐसी ताकत कहाँ से आती तुम पे, क्या आपने 10 भी खाए पहले इसने, या फिर उसके मम्मी का भी खाई क्या, और यहाँ भी खा दिया थोड़ा सा, उसने भी ऐसे खा दिया, दो कटोरी उसने तो पानी पीने पिया, दो कटोरी तो उसने पानी पी दिया, मेरा देखो जरा मेरा पूरा रह रहा। तो चलो जो भी है, तो आप लोग हमको जो नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे हम लोग चैलेंज का ही सोच रहे, हम लोग कमेंट करना, हम सारे करेंगे फैमिली के साथ हो, मैं किसके साथ करूं, जैसे आज तो मम्मी उर्वशी हम तीनों ने किया था, तो फिर बताना कि मैं किसके साथ करूं और कौन से चैलेंज करूं, अगर मैं कर पाऊंगी तो आप लोगों के लिए ब्लॉग जल्दी आएगा। तो मिलती हूं मैं आपको थोड़ी देर के बाद, तो आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिए, बाय बाय बाय। आप लोगों ने देख दिया होगा कि मैं उर्वशी से बहुत ही बुरी तरीके से हार गई और मम्मी भी हार गई, तो हम लोगों का जो चैलेंज था एकदम से ही बना। उर्वशी ने कहा कि दीदी चलो आज गोलगप्पे वाले चैलेंज करते हैं, तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं करूँगी, बट जब मम्मी हारी तो मैंने कहा चलो यार एक बार मैं भी ट्राई करती हूँ, क्या पता मैं जीत जाऊँ, बट मैं भी बहुत गंदी तरीके से हार गई। तो आज तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ बोली नहीं और आप लोगों ने भी नोटिस नहीं करा। तो हाई फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब, मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज का ब्लॉग हम लोगों ने स्टार्ट किया था गोलगप्पे चैलेंज का, 12 बजे से किया था हम लोगों ने, क्योंकि सुबह के समय घर के काम हो जाते हैं, तो ये सब उर्वशी का ही था, थैंकफुल, थैंक यू उर्वशी। तो उर्वशी की वजह से हम लोगों ने ये चैलेंज किया, तो अच्छा लगा है चैलेंज करके, मैं हार गई। तो अगर आप लोगों को और चैलेंज देना हो तो आप लोग हमको दे सकते हैं फैमिली के साथ। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं मेरे घर वाले क्या क्या कर रहे हैं, सबसे मिलाऊंगी मैं आप लोगों को, उर्वशी और मम्मी से तो आप लोग मिल गए होंगे। और अभी मम्मी कर रही है दिन के खाने की तैयारी, तो चलो फिर चलते हैं। और आप लोगों ने मेरा लुक नहीं देखा, आज मैंने बीट्स लगा रखी है, जबकि इतने अच्छे तो मेरे को नहीं लग रहे हैं, क्योंकि मेरे ना बाल पतले, बट मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मेरे को अच्छे नहीं लगते, मैं कहीं भी जाती हूँ मार्केट वगैरह तो मेरा यही हेयर स्टाइल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, पता नहीं क्यों आजकल ना मेरे को ना ये वाला जो हेयर स्टाइल है ना बीट्स वाला फिर से याद आ गया। स्कूल के टाइम थे हम जब ट्यूशन वगैरह जाते थे ना, तो मैंने अपने बाल हमेशा ऐसे कर देती थी, ऐसी बीच की मांग या टेढ़ी मांग, और इधर बीट्स लगा देनी थी दो तीन, और उसे लुक भी अच्छा आता था, मेरे को अच्छा भी लगता था, ज़्यादा फैशन का भी नहीं लगता था और क्यूट सा मतलब। तो आजकल मेरे को यही स्टाइल एकदम से याद आ गया, मैंने कहा मार्केट गई थी मैं और मार्केट में मैंने ये वाले बीट्स देखे, तो मैं पूरा पत्ता ही लेके आ गई इसका, तो मैंने लिया था इसका पत्ता 10 रुपये का, तो उसमें 10 बीट्स मिली थी, और कहीं पर 20 का भी मिलता है, कहीं पर 50 का भी मिलता है, तो मैंने 10 रुपीज़ के लिए थे, अच्छे लग रहे हैं। तो सही है, आपको कैसा लग रहा है मेरा नया लुक? वैसे तो मैंने आज ही पहने हैं, नहीं तो मैं घर में नॉर्मली रहती हूँ, वो तो मैं लेके आई, तो मैंने कहा चलो देखते कैसे लग रहे हैं। तो चलो चलते हैं दादी के पास, दादी से मिलाती हूँ मैं आप लोगों को, तो चलते हैं दादी के पास, आपको अब दादी से मिलाते हैं। तो क्या कर रहे हो आप? मैं फोन चला रही हूँ। हाँ, खा दिया आपने गोलगप्पे? थोड़ी देर पहले गोलगप्पा खाए, उससे पेट भर गया। हाँ, और अब बैठ गई। और ये पीछे कपड़े सुखा रखे आपने, देखो कपड़े दिख रहे। धूप है ना फ्रेंड्स, बाहर में धूप बहुत ज्यादा है, आप जैसे दादी की जो से नई नई कोई साड़ियाँ हैं तो उनका कलर निकल जाता है, दादी ने इस वजह से जो कपड़ा है मतलब हल्के सुखा के पंखे के ऊपर, मतलब पंखे के यहाँ पे की अच्छी हवा से सूख जाए। तो आप लोग भी ऐसी करें, जैसे कोई नए कपड़े उसका कलर जैसे निकलता है तो आप लोग क्या करना है, कमरे में रख रहे हैं तो कलर भी नहीं निकलेगा और सूख भी जाएगा, हल्का गिल्ले में करना है, ऐसे नहीं की हमने कपड़े धोए और सीधा कमरे में रख दिया, पूरा कपड़ा अभी। हाँ, तो दादी काफी बार ऐसी करती है, दादी ने इस बार भी ऐसी कर रखा है, कपड़े तो यहाँ दादी कपड़े सीधे इधर भी कर रखे, इधर भी कर रहे, तो पता तो था कि हो रहा है बट ये नहीं पता था कौन जीत रहा है। अच्छा। हाँ, तो हार गए। हाँ, तो मैंने भी टमकाए। पा दादी ने भी टमकाए, तो दादी कहती 5 तो पर मैं नहीं खाई, मैंने 1-2 खाए बस मैंने, तो अगर उर्वशी और दादी का होता तो दोनों का कॉम्पिटिशन एकदम पास होता, क्योंकि दादी ने भी खाई दिए थे 5 कान होना चाहिए गोलगप्पे। तो हम लोगों ने जो पैकेट आते हैं वाले यूज़ कर रहे थे गोलगप्पे, काफ़ी लोग बनाते भी है बट हम लोगों को पैकेट बनाए हमने, क्योंकि कुछ था भी नहीं सीन बनाने का। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं 1 बज गए हैं,
तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, जब हम लोग खाएंगे और दिखाऊंगी मम्मी ने क्या बना रखा है। तो आप तो पूरी वीडियो में बने रहिए। बाय दादी, आपको बाय बन रही है, पूरा देखना आप पूरी वीडियो के। बाय। तो देखते हैं मम्मी ने आज दिन में क्या बना रखा है। तो मम्मी ने आज बना रखा है चनों का फांडा और साथ में नींबू भी, देख रहे हो आप लोग नींबू भी है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है नींबू के साथ। और यहाँ पे मेरे से प्लेट का ढक्कन ही नहीं लग रहा है, तो यही है नींबू मस्त करके। मम्मी ने यहाँ पे काट भी दिए और मैंने रोटी बना दी थी, आप लोगों को मैं प्रूफ दिखाती हूँ, ऐसी रख रखा है अभी। तो चलते हैं आगे। उर्वशी को देखना, उर्वशी यहाँ पे चुस्की खाने लग गई, इसको भी चैन थोड़ी ना, अभी तो गोलगप्पे खाए इसने, अब चुस्की खाने लग गई। तो ब्लॉग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कि आवाज़ नहीं हो रही थी रिकॉर्ड, तो मेरे को अपनी आवाज़ इसमें डब करनी पड़ी। तो यहाँ पे मम्मी ने बना रखा है रायता, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो बहुत टेस्टी लगता है मेरे को रायता बूंदी से, अच्छा तो मेरे को जो खीरा वाला रायता होता है तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो फिर फ्रिज बंद कर लेते हैं, तो चलते हैं मम्मी के पास, देखते हैं मम्मी क्या क्या कर रही है। और मेरी मम्मी के हाथ में भी लग रखी है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। तो वो मम्मी भी कुछ बोल रही है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि आवाज़ एकदम से बंद हो गई है, समझ ही नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम हो गई है ब्लॉक में। तो तब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मम्मी हम लोग गाँव गए थे, तो मम्मी ना गदी न जो नदी थी गदन में, तो मम्मी गदन में गिर गई थी, तो मम्मी के ना हाथ पे लग गई है। तो मम्मी कल डॉक्टर में गई थी, तो डॉक्टर ने मम्मी को ये दे रखा है, ये हाथ में लगाने का होता है कि जहाँ चोट लग रही है एक तरीके से पट्टी टाइप की हाथ की। तो फिर मम्मी की दवाई वगैरह भी चल रही है, मतलब मेरी मम्मी के हाथ की जो अंगूठा है वो खिसक गया है, तो बस यही प्रॉब्लम हो गई है। तो चलते हैं, बैठ जाते थोड़ी देर बैठक में। और मैंने जो खाना है खा चुका है, और यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया रहा होगा कि यहाँ पे एक फ्लावर पॉट था। तो ये जो फ्लावर है तो आर्टिफिशियल है, जो ये पॉट दो आप देख रहे होंगे फ्लावर पॉट, तो ये मेरी एक दोस्त ने दिया था मेरे बर्थडे में। तो अभी तो मेरे बर्थडे के लिए काफ़ी टाइम है, 2-3 महीने हैं अभी मेरे बर्थडे के लिए। तो जब भी मेरा बर्थडे आएगा उसका ब्लॉग भी आप लोगों के लिए बहुत जल्द आएगा, तो फिलहाल तो अभी वेट करना पड़ेगा, अभी तो पूरे 3-4 महीने है मेरे बर्थडे के लिए। बट थैंक यू, मेरी दोस्त ने दिया था, बहुत अच्छा लगा मुझे उसका गिफ्ट। तो ये बात तो कोई नहीं होता, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है, एकदम से दिखाई मेरे को। और हाँ, और आज का ब्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा, आज का ब्लॉग में तो बहुत दुख बड़ी घटना हुई कि मैं बहुत बुरी तरीके से हार गई। तो सही में सारी लड़कियों को मुझे तो लग रहा है कि 90% या पूरे 100% में से 99% उसमें से मैं ही होंगी जिसको गोलगप्पे नहीं पसंद। तो सॉरी लड़कियों को पसंद है, सारी लड़कों को भी कुछ कुछ को पसंद होंगे वैसे तो, बट मैं सच बोलूँ मेरे को ना गोलगप्पे बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब पानी वाले नहीं पसंद। जो दही वाले होते हैं वो तो मैं खा दूंगी, जितने भी आप लोग मुझे दोगे पानी वाले, तो मीठे वाले खा लेती हूँ मैं। हाँ, मीठे वाले जो पानी वाले होते हैं ना वो मैं खा लेती हूँ। जो आज हम लोगों ने कॉम्पिटिशन किया था ना वो पुदीना वाला टाइप का था, उस वजह से तो हार गई मैं। तो अगर आप लोगों को कोई और चैलेंज देना हो तो आप लोग हम लोगों को कमेंट कर सकते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे। क्योंकि जब हम लोगों ने मम्मी और मेरा किया था मेकअप का, तो मेरे को शिखा काला ने कमेंट किया था कि मैं उर्वशी के साथ मेकअप करूँ, तो मैंने किया था। मेरे को किसी और ने भी कमेंट किया था कि मैं अपने पापा के साथ भी करूँ, पापा ने भी खाना वगैरह खाया। और अभी मैंने कुछ टाइम पहले अपना ब्लॉग डाला है, उसके बाद मैंने दोबारा से अपनी वीडियो स्टार्ट कर दी है, ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं अपना ब्लॉग हमेशा 3 बजे अपलोड करती हूँ। कभी ऐसा हो जाता है ना कि कभी लाइट नहीं रहती है या कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम रह जाती है, कभी मैं सोचती हूँ नेट ख़त्म हो जाता है तो हॉटस्पॉट से कभी नेट लेना पड़ता है, तो उस वजह से भी कभी दिक्कत ये भी हो जाती है। तो तब मेरा जो ब्लॉग है कभी लेट भी अपलोड हो सकता है, बट मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों के लिए 3 या 4 या 4:30 बजे तक आप लोगों के लिए ब्लॉग पक्का लेके आ जाऊँ। तो आप लोग मेरा ब्लॉग हमेशा देख सकते हैं, दिन के समय में अपना ब्लॉग है वो अपलोड करती हूँ। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ मैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो आज का ब्लॉग है और आज की दिनचर्या है, आज मुझे क्या हो रहा है, आज की जो दिनचर्या है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है एंड सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके बाय फ्रेंड्स।